और आज गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस के साथ रोड शो किया। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने टाटा के पहले निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन भी किया। तस्वीरें वडोदरा में निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट के उद्घाटन की हैं। स्पेन के राष्ट्रपति सांचेस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। ये विमानन सेक्टर में मेक इन इंडिया अभियान के तहत बहुत बड़ी पहल है। C-295 डील के तहत कुल 56 विमान बनाए जाने हैं, जिनमें से 16 स्पेन से सीधे एयरबस की ओर से डिलीवर किए जा रहे हैं और बाकी 40 भारत में बनाए जाने हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन 40 विमानों को भारत में बनाएगी। इससे भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन शुरू हुई है। इससे पहले पीएम मोदी और सांचेस ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर तक रोड शो किया। बीच बीच में दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने लोगों का अभिवादन भी किया। पीएम मोदी ने वडोदरा में रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी और देश के लिए रतन टाटा के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 साल पहले अक्टूबर महीने में ही इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ था। आज अक्टूबर महीने में ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज देश का रक्षा उत्पादन क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो भारत और स्पेन की साझेदारी को भी नई दिशा मिली है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने कहा कि भारत को एक औद्योगिक महाशक्ति बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है और वडोदरा की एयरक्राफ्ट फैक्ट्री पीएम मोदी के विजन की एक और जीत है। टुडे वी आर नॉट ओनली ऑफिशियली इनॉग्रेटिंग अ कटिंग एज इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, टुडे वी आर आल्सो विटनेसिंग हाउ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोजेक्ट बिटवीन टू एम्ब्लेमेटिक कंपनीज बिकम्स अ रियलिटी। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. This project brings together the best of two worlds. Tata is probably the best exponent of Indian industrial strength. Its products and services are present in virtually every country on the planet. Tata is a giant among giants.